हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज बनाना बताती हूँ। ये मेरा अस्तर है, ये मेरा ब्लाउज है। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हम अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के अस्तर को ऐसे रखेंगे। ऐसे और फिर हम सबसे पहले हम फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट लेंगे, हमारे ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, तो हम इसमें 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, तो हम इसे ले लेंगे 15 इंच। 15 इंच की लेंथ ले लेंगे यहाँ से और 15 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। इसको ऐसे मिला देंगे। 6 इंच का हम तीरा लेंगे इसमें। सात इंच के आर्म होल लेंगे। हाफ इंच यहाँ पे डाउन करेंगे शोल्डर और इसको यहाँ पे मिला देंगे। और 6 इंच ये यहाँ पे और ये यहाँ से इसको सीधा कर देंगे ऐसे। हमारी चेस्ट है 13 इंच, तो 13 का 4+ करेंगे तो आ जाएगा 7.5। तो हम इसको लेंगे 8 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा जो हम पट्टियाँ लगाएंगे उन पट्टियों में जाता है, इसलिए हम यहाँ से 8 इंच यहाँ से ले लेंगे। 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे, तो ये जाएगा हमारा 10 इंच। और हम इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई ले लेते हैं। गला हम कट कर देंगे, गोली बनाना है हमें फ्रंट का। और 6.5 इंच हम यहाँ से ऐसे कर देंगे और यहाँ पर ऐसे ले कर इसको यहाँ पे इसकी ऐसे गोलाई यहाँ पे कर देंगे और ये आर्म होल की गोलाई ऐसे कर देंगे और हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट कट हो गया है। अब हम अपना बैक कट करते हैं। बैक के लिए हम इसे ऐसे बिछाएंगे और इसको ही हम इस पर रख लेंगे ऐसे। बैक हम छोटा लेंगे, बैक की लेंथ लेंगे हम 14 इंच। इसको हम ऐसे सेट करके इस पर ऐसे इसको इस पर सेट करके 14 इंच की लेंथ ले लेंगे हम बैक के लिए। ऐसे 14 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर से जाएगा, हाफ इंच ऊपर से, हाफ इंच नीचे से, तो हमारा 13 इंच बैठ जाएगा तैयार। तो 14 इंच हम बैक ले लेंगे ऐसे यहाँ पे। ये हमारे आर्म होल हैं। फ्रंट की कटिंग हम बाद में करेंगे, ऐसे हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक कट हो गए हैं। बैक का भी हमने गला कट नहीं किया है। अब हम अपने ब्लाउज के मेन पीस को लेते हैं। ये इसी इसको भी हम उसी हिसाब से बिछाएंगे, इसी तरीके से। इसको भी हम ऐसे ही बिछाएंगे। ये देखिए, हमने अपना फ्रंट और बैक दोनों इस ब्लाउज पे सेट कर दिया। ये हमारा बैक है, ये हमारे फ्रंट है। हम इसी हिसाब से अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक है। अब हम इसका गला कट करेंगे। इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। ढाई इंच गले की चौड़ाई लेंगे हम ऐसे। तीन इंच नीचे से लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे गोल कर देंगे। अब थोड़ा सा ऊपर से यहाँ बीच में से आधा इंच छोड़ देंगे हम यहाँ पे। टोटल हमें 9 इंच गला लिया अपना, तो ये हमारा है। यहाँ पे हम बीच में हम ले लेंगे 5 इंच यहाँ पे ले लेंगे हम। यहाँ पे फिर लेंगे 2.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे ऐसे। और
ऐसे हम इसको सेफ दे देंगे गोलाई में ऐसे, और यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर देंगे, इसी हिसाब से कट कर देंगे गोलाई में। ऐसे ये यहाँ से ऐसे कट कर दिया, जो ऊपर वाला है हम उसकी भी कटिंग कर देंगे ऐसे, हो गया ये हमारा गला। ऐसे है हमारा गला कट गया है। इसकी हम फिनिशिंग करना बताएंगे आपको, जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इसकी फिनिशिंग करना बताएंगे, हो गया। अब मैं आपको फ्रंट में प्लेट्स बनना बताती हूँ। ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट पर प्लेट्स कैसे बढ़ते हैं, ऊपर से लेते हैं 9 इंच, साइड में से लेंगे हम 4 इंच, ये हमारा मिड पॉइंट आ जाता है। इसके नीचे जाएंगे हम 1.5 इंच, फिर यहाँ से 4 इंच लेंगे, फिर यहाँ से 4 इंच लेंगे नीचे से, और इसको ऐसे मिला देंगे। 1 चुन्नट हमारी ये हो जाती है। फिर इस पॉइंट से यहाँ पे आएंगे 1.5 इंच, और फिर जो हमारा मिड पॉइंट था उससे और जो हमने ये निशान लगाया है इस पे जाएंगे 1.5, यहाँ पे गले के नीचे की साइड आएंगे 5 इंच, और इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे ऐसे। अब ये जो हमारी नीचे वाली चुन्नट थी इससे फिर इधर की साइड जाएंगे 1.5 इंच, और मिड पॉइंट से फिर 1.5 इंच इधर जाएंगे, और यहाँ से लेंगे 2.5 इंच, यहाँ पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम ऐसे यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब लेंगे इस निशान से ऊपर की साइड लेंगे 1.5 इंच, और जो हमारा मेन पॉइंट है इससे लेंगे 1.5 इंच, और यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, और ऊपर से लेंगे आर्म होल की साइड से लेंगे 6 इंच, और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, और इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये हो गया। अब देखिए ये हमारा एक सर्कल सा बन जाता है, ये देखिए इस हिसाब से ये हमारा एक सर्कल बन जाता है, ये देखिए। अगर ये हमारा सर्कल बन रहा है तो समझें कि हमारी चुन्नट सही है बिल्कुल। इस हिसाब से हम हर एक ब्लाउज में चुन्नट डाल सकते हैं। अगर कोई किसी का मेजरमेंट ज़्यादा है तो जो ये हमारा गैप 4 इंच लिया है हमने, ये हमारा रेडी होके हमारी यहाँ पट्टियाँ लगेंगी। पट्टियाँ लगने के बाद ये गैप हमारा 3.5 इंच का बचेगा। अगर किसी का मेजरमेंट ज़्यादा है तो ये हम गैप 4.5 इंच का ले सकते हैं, और ये जो हमने डिस्टेंस लिया है 1.5 इंच का डिस्टेंस जो हमने लिया है इसे हम 2 इंचेस भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मेजरमेंट हमारा यही होता है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना आपको बताएंगे। ये देखिए मैंने अपना अस्तर ब्लाउज के कपड़े पे ऐसे रख लिया है। अब मैं यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी जिससे इस पर सेट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको चारों तरफ इसको कच्चा कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा दूँगी इसमें ऐसे दोनों पीसेस में। यहाँ पे मैं दोनों में कच्चा सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए मैंने दोनों में कच्ची सिलाई लगा दी है, ये देखिए दोनों में लगा दी है। अब मैं इनको यहाँ से ऊपर से दोनों को सिल दूँगी, पक्का सिल दूँगी इनको, यहाँ से मैं सेट कर दूँगी इसमें ऐसे ही। देखिए मैंने सिल दिए। अब हम इनकी चुन्नट डालेंगे, हम यहाँ से पकड़ेंगे इसको ऐसे ले कर, और हम इसकी ऐसे यहाँ से ज़्यादा लेंगे नीचे से, और ज़्यादा लेते लेते यहाँ पॉइंट पे हम कम कर देते हैं ऐसे। और ये धागा हमें लंबा काटना है, छोटा धागा काटेंगे तो हमारी चुन्नटें ख़राब हो जाएंगी। मैं इसी हिसाब से सारी चुन्नटों को कंप्लीट कर देती हूँ। ये मैंने अपनी फ्रंट की प्लेट्स भर दी हैं, ये देखिए इस हिसाब से देखो ऐसे। और ये जो हमारी ये प्लेट्स हैं, अब हम इसको इसके ऊपर रख के ऐसे देखेंगे कि हमारी प्लेट्स दोनों इक्वल आनी चाहिए ऐसे, बिल्कुल ये ऐसे इक्वल आनी चाहिए। यहाँ से ये जो हमारी प्लेट्स है ये हमारी इक्वल आनी चाहिए दोनों ऐसे, ऊपर से फ्रंट
ऊपर से गले से और यहाँ पे हम ऐसे मेजर करेंगे इसको, तो ये हमारी इक्वल आनी चाहिए ऐसे। अब हम इसमें पट्टियाँ लगाएंगे। जो हमारी हुक की पट्टी होती है उसे हम सीधे साइड रखते हैं, हुक हमारी हुक लगते हैं राइट हैंड साइड और आई होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आएगा। तो इसके ऊपर हम इसको सीधा रखेंगे सीधी साइड और एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे और फिर इसकी सिलाई के बाद एक सिलाई हम इसको ऐसे करके एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे। पहले मैं इस सिलाई को लगाती हूँ, मैंने ये दोनों सिलाई लगा ली है ये देखिए। अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके और इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर दूंगी। ऐसे फोल्ड करके मैं इस पर कच्ची सिलाई कर दूंगी, इस पर हमारी तुरपाई हो जाएगी और इस पर हमारे हुक लगेंगे। ये देखिए मैंने ये कच्चा कर दिया है, ये मेरा कंप्लीट है एक पीस। ये सेकंड है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, इस पर मैं पट्टी को उल्टी साइड रखूंगी ऐसे और फिर इसको मैं बढ़ा के सीधी साइड फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए ये मैंने पट्टी लगा दी है, ये थोड़ी बढ़ा के लगाई है मैंने। ये जो हमारी हुक यहाँ पे हमारी आई बनेगी और ये पट्टी इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी, ये देखिए ऐसे। ये पॉइंट हमारे बिल्कुल मिलने चाहिए ऐसे इस हिसाब से। मैं इसमें गले की पट्टियाँ लगा देती हूँ, मैंने गोल गले की पट्टियाँ काटी हैं दोनों और एवनी काटी हैं। ये देखिए ये मेरी दोनों गोल पट्टियाँ, गोल पट्टी से हमारी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। इसको ऐसे रख के यहाँ पे पूरे पे सीन लगा देंगे और इसी तरह इसको भी ऐसे ही रख के इसको ऐसे रख के इसके भी पूरे पे सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिर्फ पट्टियाँ लगा दी हैं और मैंने इसमें कट के निशान लगा दिए हैं, ये देखिए दोनों में ये। तो ये हमारी इस तरह से फोल्ड हो जाएगी अंदर की साइड और यहाँ पे हमारी तुरपाई हो जाएगी। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट है। अब हम बैक करते, ये हमारा बैक है। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे इसी शेप में जिस शेप में हमारा ये कटा हुआ है इसी शेप में हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है इसमें पूरे में और ये हमने ये कट के निशान लगा दिए। अब हम इसको सीधा कर देंगे ऐसे, इसमें से बाहर निकाल देंगे इसको। ये देखिए ये हमने सीधा कर दिया है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे रख के अंदर की साइड और इसको ऐसे सीधा करके और हम इसमें सिलाई लगा देंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये सारा अंदर रख कर देंगे और इसमें एक सीधा सिलाई ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे इसमें पूरे में ऐसे। देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है, अब हम इसे सीधा कर देंगे। ये हमारा सीधा हो गया है, ये देखिए ये हमारी सीम लग गई है, गला हमारा सेट हो गया है। ये अब हम इस पर चुनट के निशान लगाएंगे। ऐसे रख के और इसका हम हाफ कर लेंगे या हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करके फ्रंट में हमने 4 इंच पे चुन्नट ली थी और इसमें हम 3.5 इंच पे लेंगे, 3.5 इंच पे यहाँ पे और 3.5 इंच यहाँ से नीचे से और ऊपर से 10.5 इंच ऊपर से ये और ये यहाँ पे ये चुन्नट आ गई है हमारी। इसी हिसाब से दूसरी साइड भी आ जाएगी, 10.5 इंच नीचे, 10.5 इंच नीचे और 3.5 इंच साइड में यहाँ पे आ जाएगा
और 3.5 इंच यहाँ। हमने अपना बैक कंप्लीट कर लिया है, देखिए ये चुनट भर दिए हैं इसकी, और ये मैंने अपना नेक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके ये आर्म होल जोड़ देंगे ऊपर से मुड्ढे ऐसे, और इसकी फिटिंग कर देंगे। ये मेरा ब्लाउज सिल के रेडी है, मैंने इसमें स्लीव्स लगा दी हैं। ये देखिए ये मेरा बैक है, यहाँ पे डोरी की भी नीड नहीं है जिससे कि शोल्डर गिरे, बिना डोरी का ब्लाउज है ये। डिजाइन बन गई है इसमें ये बैक में, और ये इसका फ्रंट है। यहाँ पे हम इसकी चौपाई हो जाएगी, यहाँ पे चौपाई कर देंगे इसकी फ्रंट की ऐसे। ये मेरा बैक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।